भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान को गंवा देते हैं। हिट एंड रन को लेकर बना कानून कमजोर था, जिसका फायदा अक्सर टक्कर मारने वाला उठाता था। कुछ पैसा जुर्माने के रूप में देकर या कुछ महीने की जेल काटकर वो इंसान को कुचलने की सजा पा लेता था। सोचिए जरा कितना कमजोर होगा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वो कानून। लेकिन मोदी सरकार ने हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को देखकर इसमें संशोधन किया। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में नियम सख्त हो गए हैं। नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य जनता की जान को बचाना है। नए कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो लोग अपने वाहन से दुर्घटना होने के बाद भागते नहीं हैं और खुद से ही पुलिस को सूचित करते हैं, घायलों को अस्पताल पहुँचाते हैं, तो उनकी सजा भी कम हो जाएगी। अब मुद्दों की तलाश में बेरोजगार बैठी विपक्षी ड्राइवरों में अफवाह फैला रहे हैं कि ये कानून उनके खिलाफ है, जिसके चलते ड्राइवर भी परेशान हैं। असल में ये कानून किसी भी एंगल से ड्राइवरों के खिलाफ नहीं है। ये कानून खिलाफ है उन लोगों के जो हिट एंड रन को लेकर बने पुराने कानून का फायदा उठाकर वाहन दौड़ाते हैं और पब्लिक को रौंदकर फरार हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी को ये पता होगा कि उसकी लापरवाही से सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ और वो भागा, तो उसको 7,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 10 साल सजा हो सकती है, तो क्या वो पीड़ित को छोड़कर भागेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर देखा गया है कि हिट एंड रन के केसेस में ओवर स्पीडिंग या नशा करके वाहन चलाना दुर्घटना का कारण बनता है, लेकिन इतनी कठोर सजा के डर से ड्राइवर भी ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा। वाहन की रफ्तार पर कंट्रोल होगा तो हादसा भी नहीं होगा। फिर भी मान लेते हैं कि सामान्य स्थिति या नशे की कंडीशन में अगर वो अपने वाहन से कंट्रोल खो देता है और उसके वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है, तो हादसे के शिकार व्यक्ति को ड्राइवर खुद अस्पताल पहुंचाएगा। इससे एक्सीडेंट में घायल इंसान की जान बचने की संभावना भी रहेगी। अस्पताल पहुंचाएगा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अगर वो भागा तो कठोर सजा उसका इंतजार कर रही है। अब आप सोच लीजिए कि ये कानून आम जिंदगियों के लिए कितना फायदेमंद है। बाय चांस अगर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है और वाहन चालक खुद से ही पुलिस को सूचित कर देता है, तो इससे भी उसकी सजा कम हो जाएगी। हमें ये बात समझनी होगी कि ये कानून वाहन चालक के खिलाफ नहीं है, ड्राइवरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ है। आखिरकार इंसान की जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं होती कि अपराधी को कुछ महीने की जेल और जुर्माने पर ही छोड़ दिया जाए।